तो गाइज यार कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा मैजिक क्यूब का बंडल लेना चाहिए। तो गाइज मैंने कल वाली वीडियो में तुमको बताया था कि तुमको जोकर का बंडल लेना चाहिए, लेकिन गाइज अभी आप लोग देख सकते हो मैंने बायोफोर्ज का बंडल पहना हुआ है। तो आखिरकार ऐसा क्यों? और साथ ही मैं आप लोगों का जो डाउट है, या तो टॉप गेमर बंडल, या तो हमारा हो गया बायोफोर्ज का बंडल, या फिर हो गया हमारा जोकर का बंडल, और साथ ही हमारा बंडित का बंडल, इस तीन चारों में से आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, मेरा चॉइस क्या है और आप लोगों को कौन सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो यार, 20,000 करना है दिवाली के पहले। तो जो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करो ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो सबसे पहली बात की गई थी, तुम लोग मेरे से बोलोगे कि तुमने तो जोकर बंडल का बोला था कि जोकर बंडल लोगे, तो ये वाला बंडल कैसे ले लिया? तो गई मैं आपको बता दूँ, जोकर बंडल है उससे भी ज़्यादा रेयर बंडल ये वाला बंडल है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? तो गाइस क्योंकि यार हमारा जो फ्री फायर गेम के अंदर दिवाली इवेंट आया था पिछले साल, तो वहाँ पे भी जोकर बंडल दे दिया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिडीम कर लिया था। तो ये जोकर बंडल है ना वो थोड़ा कॉमन सा हो गया है। तो गाइस यार मैंने सोचा यार कॉमन सा भी हो गया और ज़्यादा रेयर भी और ज़्यादा पुराना भी हमारा बायोफोर्ज का बंडल है, तो क्यों ना हम लोग ये वाला बंडल ले ले। तो गाइस मैंने इसीलिए ये वाला बंडल ले लिया है। और गाइस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये वाला बंडल ले सकते हो, बहुत अच्छा बंडल है। वैसे भी तो जोकर का बंडल है गाइस, इसका सिर्फ आप लोग अपना चेहरा यूज़ करते हो, ठीक है ना, उसका नीचे का कोई पार्ट यूज़ नहीं करते हो, इसलिए मैंने वाला बंडल नहीं लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि आप लोगों को जो हमारा बंडित का बंडल है, साथ ही में गाइस हमारा जोकर बंडल है, और साथ ही में गाइस हमारा टॉप गेमर बंडल है, इन तीनों में से चारों में से आपको कौन सा बंडल लेना चाहिए? तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को अमित भाई बंडल वैसा कोई सा है, मेरे को नहीं पता वो बंडल कौन सा है, लेकिन अगर आप लोग बंडित बंडल लेते हो, या फिर आप लोग अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैजिक क्यूब है, तो आप लोग मतलब अगर आपके पास तीन चार मैजिक क्यूब बंडल है, तो गाइस अगर आपके पास ये वाला बंडल अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये वाली जो स्टोर आया है वो सबसे बेस्ट स्टोर आया है अभी तक का इन द सेंस कि इस साल का सबसे बेस्ट स्टोर है, और इसके बाद आपको ऐसा कोई स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कलेक्ट कर लो। और बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि ये स्टोर कब तक है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये 14 तारीख तक ही चलेगा ये वाला स्टोर। हाँ तो गाइस और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को टॉप गेमर बंडल आप लोगों को जो अच्छा लगता है वाला बंडल लो, ठीक है। अगर आपको जोकर बंडल आपको लग रहा है, आपको बन के सुनो कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं है जोकर बंडल मेरे पे सूट करेगा, अगर फैक्ट के थ्रू बताऊँ तो गाइस आप जोकर बंडल को मतलब कि उसका सिर्फ आप चेहरा यूज़ करते हो, ठीक है ना आप। लेकिन अगर बंडित बंडल में आपको बोलूँगा कि आप बंडित बंडल बिल्कुल लो, टॉप गेमर बंडल, अगर आपके पास ऑलरेडी बंडित है जोकर है तो आप टॉप गेमर को सजेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको मेरी रैंकिंग बताऊँ कि मैं कौन से हिसाब से आपको लोगों को बोलना चाहूँगा, तो गाइस नंबर वन पे मैं रखूँगा यहाँ पे, आज थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, बंडित बंडल नंबर वन, सेकेंड बंडल गाइस कुछ भी हो जाए जोकर बंडल सेकेंड, थर्ड नंबर पे गाइस टॉप गेमर बंडल, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, ठीक है मैम। फोर्थ नंबर पे गाइस मैं रखूँगा बायोफोर्ज का। आप बोलोगे तूने खुद ने बायोफोर्ज दिया तो उसको नंबर वन पे क्यों नहीं रखा? तो गाइस सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो गाइस मैंने तो यहाँ पे अपना बायोफोर्ज का लिया है, क्योंकि अगर देखो मेरे को जो रेयरिटी चाहिए थी, ठीक है ना, मेरे को रेयर बंडल चाहिए था कि मुझे मेरे पास कोई सा एक रेयर बंडल हो। अब जोकर बंडल सभी लोग ले लेंगे तो फिर वो रेयर कहाँ रह जाएगा ना? आप लोग खुद सोचो, अभी एक मैजिक क्यूब सबको फ्री मिलने वाला है, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे बंडल यही वाला बंडल लेने वाले हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती कि यार मतलब मेरे को ये करना चाहिए। तो गाइस इसलिए मैंने बायोफोर्ज का बंडल लिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये बंडल, आप लोग भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो बंडित, उसके बाद टॉप गेम, उसके बाद जोकर, फिर टॉप गेमर, फिर ये बायोफोर्ज। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे से बोलोगे फीमेल में, तो क्रेजी पांडा का बंडल बहुत अच्छा है, फीमेल में तो आप वाला बंडल भी ले सकते हो। उम्मीद करूँगा तुम सभी लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा होगा, अगर एंड तक देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। और वैसे यार मैं मिलूंगा तुम सभी लोगों से आने वाली वीडियो में, तो यार सपोर्ट बनाए रखो यार, 20,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, बहुत कम टाइम बचा है यार, करवा दो यार प्लीज़, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बाकी है। तो जो जो देख रहा है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, बस सपोर्ट बनाए रखो यार। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।